बच्चों, आज मैं आपको भूगर्भिक संरचना के विषय में बताऊंगी। एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना बहुत ही जटिल है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी धरातलीय संरचना में अनेक, आपने देखा होगा, विभिन्नता के दर्शन होते हैं। एशिया महाद्वीप की संरचना और धरातलीय स्वरूप का जब हम विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचनाओं का इतिहास वास्तव में बहुत जटिल है। इस महाद्वीप में पूर्व कैम्ब्रियन युग की पुरानी चट्टानों से लेकर टर्शियरी युग तक की नवीनतम चट्टानें मिलती हैं। चट्टानों की विभिन्नता के साथ साथ यदि हम एशिया की चट्टानों के धरातलीय रूप पर विचार करें तो हमें पता पड़ेगा इस महाद्वीप में कुछ स्थल ऐसे हैं जो भूगर्भिक हलचलों से अछूते रहे, जबकि कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ बहुधा भूगर्भिक हलचल होती रहती है और धरातल में परिवर्तन होते रहते हैं। यद्यपि भूगोल वेताओं ने एशिया महाद्वीप की संरचना और धरातलीय स्वरूप का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, एशिया के मुख्य भूगर्भिक विभाग अनेक हैं, जैसे उत्तर के प्राचीन भूखंड, नंबर 2 दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, नंबर 3 नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, नंबर 4 अवशेष भाग, नंबर 5 नवीन अपसादी संरचना। सबसे पहले बच्चों, उत्तर के प्राचीन भूखंड के बारे में बताऊंगी आपको। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राचीन शैलों के 4 भूखंड मिलते हैं। इन भूखंडों का निर्माण कैम्ब्रियन युग के पूर्व की रवेदार चट्टानों से हुआ। इन भूखंडों की चट्टानें बहुत कठोर हैं। इन भूखंडों में 4 भूखंड प्रमुख हैं, जैसे रूसी प्लेटफॉर्म, अंगारा लैंड, साल्डिनियन मैसिव, चीनी मैसिव। प्रसिद्ध भूगोल वेता आर्गंड के अनुसार प्राचीन काल में ये चारों भूखंड एक जगह स्थित थे तथा इस महाखंड को अंगारा लैंड कहा गया। भूगर्भिक हलचल के कारण ये भूखंड भ्रषित हो गया और उसके 4 भूखंड बन गए। वैगनर महोदय के अनुसार ये भी चारों भूखंड पेंजिया स्थल खंड से टूटे हुए भाग हैं। इनमें आग्नेय, ग्रेनाइट, निस, शिष्ट मुख्य चट्टानें हैं। इन भूखंडों को रूसी प्लेटफार्म इसके पश्चिम भाग में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में फैला है। अंगारा लैंड भूखंड मध्य साइबेरिया में स्थित है। चीनी मैसिफ में 4 मैसिफ, उत्तरी चीनी मैसिफ, दक्षिणी चीनी मैसिफ और तारिम मैसिफ तथा तिब्बतन मैसिफ हैं। दूसरा आता है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में 3 विशाल प्राचीन भूखंड मिलते हैं जो कठोर तथा प्राचीन चट्टानों के बने हुए हैं। इन भूखंडों की संरचना की स्थिति से स्पष्ट होता है कि ये भूखंड गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इसका निर्माण पूर्वी कैम्ब्रियन युग में हुआ। इन प्राचीनतम भूखंडों की रचना भूगर्भिक हलचल से हुए धरातलीय खिंचाव से गोंडवाना लैंड के खंडित होने से हुई। तृतीय कल्प में इन पर इतना अधिक दबाव पड़ रहा था कि भ्रषण से पड़ी दरारों से होकर बहुत सा लावा बाहर निकल गया और विस्तृत धरातल पर फैल गया। दक्षिणी भारत की काली मिट्टी लावा द्वारा निर्मित है। इस प्रकार इस महाद्वीप में गोंडवाना लैंड की भूमि
अनेक भूखंड पाए जाते हैं, जैसे अरब प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय और हिंद चीन प्लेटफॉर्म। अब आता है बच्चों नवीन पर्वत श्रेणियाँ। एशिया महाद्वीप के मध्य में टर्शरी कल्प की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का क्रम मिलता है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्शरी युग से पहले मेसोजोइक महाकल्प के अंतिम समय में आरंभ हो गया था तथा यह पर्वत का निर्माण इओसीन, प्लायोसीन तथा प्लेटिस्टोसीन काल तक चलता रहा। इन पर्वत श्रेणियों में अधिकतम भाग टर्शरी युग के इओसीन, ओलिगोसीन तथा प्लेयोसीन काल से संपन्न हुआ। इस प्रकार इस नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्शरी युग की भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ, अतः इस पर्वत को टर्शरी हलचल भी कहा जाता है। इस नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति के संबंध में तीन सिद्धांत हैं, जिसमें एडवर्ड सुएस का सिद्धांत, इमाइल आर्गंड का सिद्धांत और वैगनर का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है एडवर्ड सुएस का सिद्धांत। मध्यवर्ती नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए तथा बताया, प्राचीन काल में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कुछ विशाल प्राकृतिक गड्ढे रह गए थे। ये गड्ढे बाद में विशाल सागर और महासागरों के रूप में परिवर्तित हो गए। एशिया के मध्य भाग में पश्चिमी पूर्व तक इसी प्रकार के विशाल सागर फैला हुआ था। एडवर्ड सुएस महोदय ने इसे मुलायम भाग के नाम से पुकारा। इस विशाल सागर के दोनों ओर प्राचीन स्थिर भूखंड थे। एडवर्ड महोदय ने इन स्थिर भूखंडों को कठोर भाग अथवा शील्ड के नाम से पुकारा। विशाल सागर के उत्तर की ओर उत्तरी शील्ड को अंगारा तथा दक्षिण की ओर दक्षिण शील्ड को गोंडवाना भूमि का भाग बताया। बाद में उत्तरी शील्ड अथवा अंगारा भूमि भूगर्भी खलचल के कारण दक्षिण की ओर खिसकने लगी। इस तरह इन्होंने अपना विचार व्यक्त किए। दूसरा आता है इमाइल अंगारा लैंड का सिद्धांत। स्विस भूवैज्ञानिक आर्गंड ने एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति और संरचना के संबंध में 1922 में ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ कांग्रेस में अपना प्रमुख लेख प्रस्तुत किया। इस लेख के माध्यम से आर्गंड महोदय ने एशिया की संरचना के बारे में अपना विचार या अपना मत देते हुए स्पष्ट किया कि उत्तर के चार प्राचीनतम भूखंड हैं। तीसरा आता है वैगनर का सिद्धांत। वैगनर के सिद्धांत ने एशिया की संरचना को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस क्रम में वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में जुड़े हुए थे। इस स्थल खंड को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था, जिसका नाम वैगनर ने पेंथालासा किया। पृथ्वी की संपूर्ण आयु के आधे वर्षों व पूर्व विश्व के समस्त महाद्वीप पेंजिया से जुड़े हुए थे। पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड का नाम दिया। इन दोनों के मध्य में एक संकीर्ण महासागर 33 सागर का वैगनर के अनुसार आगे चलकर पेंजिया का विभर्जन
हो गया जिसके फलस्वरूप महाद्वीपों और महासागरों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। चौथा आता है बच्चों अवशेष भाग, और उसके बाद आता है नवीन अवसादी संरचना। तो बच्चों ये है एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है और अगला टॉपिक आपको मैं कल कराऊंगी। धन्यवाद।